लागो सिंदूर। हे माँ, मु तुमको पुणी थरे एठी केबे भी देखिया चाहे ना। तमे बस मो घर मो लाइफ रु सब दिन पई दूरे जाओ। मो पई तमे एतिक तो करि परिवो ना। तमर इम्पेशंस बढ़ी बारे लगी छी बुझुची बुझुची मु भी मो सान जा को जल्दी ए घर को आनी बेकु चाहू छी आउ ता परे आमे दि जन मिसे शॉपिंग जिबु। हां मामू, तमे जल्दी बाई की माई के हम घर को नहीं आसो। परिवार रे समस्ते ए बाहागर लखी अपेक्षा कर छथि। सतरे मालिनी मैडम बहुत भाग्यवान, से गोटे एत भल शाशुघर मिल। मु तो गोटे एंती कुणिया जी बिना निमंत्रण से एठी को चली आसी। हेले किछि दिन रे मुई एतकी बुझी जाइछि जे मुई ए घरे निजर लागे केबे भी गोटे जगह नहीं बनई पारबि। हे माँ, मु तुमको पुणी थरे एठी केबे भी देखिया चाहे ना। तमे बस मो घर मो लाइफ रु सब दिन पई दूरे जा। ए निमंत्रण कार्ड होची बाबूंकर जीवन रो गोटे सुंदर स्वप्न परि, जहाँ को केवल सी नुहे तांकर परिवार लोक भी बहुत दिन रु सत्य करबा को चेष्टा करथले। हेले मुई एठी रहिले मोर आखिर लुह बाबूकर स्वप्न थिबा खुशी को कम कर दे पारे। भाग्य मते एठी के नहीं आसचे सत, हेले एबे मुई केवल मोर मनर कथा ही सुनबी आ मोर मन केवल एतकी ही चाहे जे बाबू आ मालिनी मैडम तांकर बाहाघर भल रे भल रे हे जाओ। सुहागा
फोन तो लगी कुसुम कथा भी शुभुला मत कहीं लगला आदित्य बाबू जाणी जाणी फोन टा काटिदेले बाबू बाबू के लगे एमती करिवे तमे के भूली गलो बाबू तम सह केते सम्मान रे कथा होंती तमर जीवन भी बंचाई छंती एमती कि तांको खबर कागज रे तम विषय रे केते भल भल कथा सब लिखतिले सी तम फोन काई काटिबे कुसुम सहरी लोक माने का को आसी के एठिका परिवेश रे निज को भूली जांती सत हेले थरे सहर को पळेले का विषय रे भूली जीवा को ताको बेसी समय लागेनी आउ ए कथा तमठु बेसी भलो के जानिथिबो सत्यकम तमे अजथा रे एते कथा चिंता करछो माँ अंबिका आम को केबे भी असुविधा रे पकेबेनी देख मोर एबे बहुत काम अछि हेमार सासुघर को जिबा अगुरु ता लागि मिठा बनेबार अछि साड़ी रे चुमकी लगे ताको सजेबार अछि आ या भीतर तमे ए सब वर्ष है मुटीर कंडे आपणकर चेहरा देखी आसे जाने माँ अंबिका हुए तो मत सहर से आपण पुणी थे देखा करते निशा तो मुंड बोधे कम करूनी माँ आप कहार अच्छे कहतु कितु मु पूरा सियोर ए शाढ़ी आपण को बहुत सुंदर लगे देखुना आपण तो मो कथा मानिबेनी दीदी के पचारंतु दीदी देख ल ए साड़ीटा माँ को केमती लगुच देखे तो अरे वाह मो माँ तो पूरा 90s रो हीरोइन पूरी लगुचंती ए साड़ीटा किंतु बहुत हेवी हेची आउ ए बॉयस रे साड़ी पिंधिबाटा ओहो अपा तमर एत्ते भी बॉयस होइनि जे तमे ए साड़ी पिंधि परिबोनी निशा और रूपाली ठीक कथा कहउचंती तुमको ये साड़ी बहुत भल मानव देख लो खुड़ी ए साड़ी तो तुमको बहुत भल मानव निशा देख लो केमती लगुच वाओ दिस लुक्स ब्यूटीफुल हे भगवान मु कोन ए बॉयस रे ए साड़ी पिंधिबि खुड़ी आपनकर एते भी बॉयस हैनी जे ए साड़ी पिंधि परिउनी अरे देखु छ आमे माने निजो पाई साड़ी चूज करिया रे एत्ते व्यस्त रह जाइतिले जे हेमा पाई गोटे भलो साड़ी चूज ही करिने आमे हेमा पाई साड़ी चूज करिबे अरे अरे तू मन दुख करनी अरे मो कहिबार कथा एथिला कि एबे तो हेमा सामने रे सब साड़ी थुआइ छी हेमा त निजो पाई गोटे चूज करू
हाँ हाँ देखे माँ तते कौ साड़ी पसंद आस हे माँ मु तुमको पुणी थरे एठी केबे भी देखिया चाहे ना तमें बस मो घर मो लाइफ रु सब दिन पई दूरे जो हे माँ तू कड़े जाऊ कह या भितर तते कौ साड़ी भल लागु छी एबे तू न कहिले आमे से साड़ी सहित मैच करी ब्लाउज केमती बनेबू नाही माँ मोर ए सब किछ भी दरकार नहीं दरकार नहीं कौन जहाँ कह जाए कर देख लो कौ साड़ी ते भल लगुच माँ बाहर तो लोक मैंने बर आ कनिया को देखे ना से मैंने किए पिंधुंस सबुठ बे सुंदर देखा जावा दरकार मु तो कही भी नहीं आपण मैंने मोर लगे तो व्यस्त हूँ मुझे भी रही जमी भी रही भल रही बाकी सब माँ अंबिका देखने भी। बस जितक दिन घरे रही कहार ऊपर भी बोझ हो कि रही चाहूनी जितक दिन घरे अच्छु ता मन तू कौ जा अच्छा मुझे सब बुझीपार खुड़ी आउ अल्प दिन पर आम घर बाहर अच्छी आम घर काम भी बढ़ जाव से हेमा कौन करना ता नकली आई कथा मन पड़ू कहीकि गाँ को जवाक बाहरी ठीक कथा कही हेमा एक कौन सत ठीक अच्छे जदि हेमा ता निजपी शाढ़ी पसंद करनी ताले मु मो हेमा गोटे बहुत भल शाढ़ी पसंद करदे देख लु हेमा ये शाढ़ी केमती लगुच अरे वाह एटा तो बहुत सुंदर है सतरे ये शाढ़ी रे आमो हेमा बहुत सुंदर लगे किंतु देखिकी हेमा तत्ते साड़ी रे किए भी देखिले बाहाबा पे राजी ही जाई पारे सुहाग सिंदूर सुहाग सिंदूर आपण एटा रखी थांतो मुई खाइबा नेकि आसुछि ताहेले ए साडीटा हेमार पाद सह जोतारे पसिता कंटार जो संपर्क हेमा मोर भी से संपर्क अच्छे हेमा आम घर को केवल कम करने आई गाँव लोक मो सहित जबरदस्ती पठे मु तो भाव नीजे एमती पगड़ी सहित मोर बाहर बोली कहले तुम एत सीरीयस हो मु तुमको पुणी थरे एठी केबे भी देखिया चाहे ना तमें बस मो घर मो लाइफ रु सब दिन पई दूरे जाओ मो पई तमर से गांर रीति नीति आउ से बाहाघर रो किछि मूल्य नै
जेते दिन जाए अच्छ गाँव घटना विषय में क्या भी किसी कह कि निज सीमा टपिया को चेष्टा भी कर माँ मु तुमको पुणी थे ये भी देखा चाहे ना तुम्हें बस मो घर मो लाइफ रु सबुदिन दूरे जाओ मो तुम एति तो कर हेमा आसवा पूर्व घर कम करने दास बाबू को कहते गोटे लोक पठेदे तत्ते आम यही जी कौ कहीं आम घर आउ जे लोक को कम करने रखु का चोर तो केवन मत लगुच ये बोधे से लोक जहाँ को बापा घरे कम कर लगे आने कहते मुह देख के तो लगते नहीं हाउ कम आठ मत डक अच्छा कम करवा लगी हाँ सुन एटी बहुत सुंदर सुंदर लोक अच्छा तुम्हारे किसी भी दरकार नहीं तुम जाइ पार बाय सुन मो कथा मन तुम घर भितर जाओ घर मालिक उठ डाक मुई ये घर मालिक मुई जहा कह अरे ये किए कहिथिले मुई होची ए परिवारर सदस्य हां मते तो केबे भी जेबा लागि देबेनी ताले एटा की मते न जणे की आकु की लागि डाकछुदी अरे मु तो सेही कथा पचाउची ये किए नमस्कार मोना सुंदर तमन ना जहा भी हितौ मुई कथा उचमेन तमे चुप रहइबो चुप याकु की लागि डाकछुदी ये कोले बे मोर मुंडा उपरे बसिबो की हां अरे किछ नहीं हेले मोर जिबर जाय तो आपण माने अपेक्षा करि परथनते ना सेत की भी नहीं रह हेमा रह धीरे धीरे तू आगे शांत हो मु तांग सहित कथा होची तमे आमो घर को काम करिवे को इच्छो की आगे तमे यांको काम करिवे को डकिचो की हेले तमे तो कहुतिलो आमो घर को जे काम करिवे को आसीबार थिला तर अलगा कोटी काम हो जाई छी कांचन मु सत्य कहू छी जे ठीक आसीबार थिला ताको तो अलगा जगह रे मु काम रे निजे रखि दे छी यांको तो मु डाकिनी तम्मे डाकिनो तल डाकि छी के तमु किए डाकि छी मते मु डाकि छी सुंदर को घर कम करने मु डाकि कथा कौन कि दिन घरे बहुत कम रहिबो तो घर लोक मैंने एकुटिया से सब कम करने पॉसिबल नुह
ତାସହ ମୋତେ ଅଫିସରୁ ବି ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ ତା ସାଲାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାହାଘର ବେଳେ ଘରେ ଏତେ କାମ ରହିବ ଯେ କାହାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ରହିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ, ତମେ ଯେଉଁ କାମ ଦେବ ସେ କରିଦେବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମାଳିନୀ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ହେମାଙ୍କୁ ବି କାମରେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଦି, ଡାକିବା ଆଗରୁ ଆମ ସହ ଥରେ କଥା ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖ କାଞ୍ଚନ, କେହି ଯଦି ଜଣେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିଗଲାଣି ତାକୁ କ'ଣ ଏଠୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିପାରିବା? ହେମା, ତୋ ପାଇଁ ତ ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁ, ଏ ଲୋକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆସିନି, ଦଶ ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ମାଳିନୀଙ୍କର ମୋର ବାହାଘର ଅଛି ସେଇଦିନ ତମେ ସୁନାମାଳି ଯିବ। ମା, ତମେ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଘରର କାମ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବ। ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର।